गांधी, सोनिया गांधी के पैर पड़ा, फिर उनके पैर खींचा, ये केसीआर, ये पूरी हकीकत दुनिया को मालूम है। केसीआर मेहनत करा होगा तेलंगाना लाने के लिए, ये बात तक हम मानते, पर तेलंगाना देने की पार्टी सोनिया मां है और कांग्रेस पार्टी दिए। तो फिर मैं आपको क्या नाम दियो केसीआर, आपको क्या बोलूं, बट्टेबाज बोलूं, लुच्चा बोलूं, झूठा बोलूं, चोर बोलूं, डाकू बोलूं, क्या बोलूं, बिल्ला बोलूं, रंगा बोलूं, वीरप्पन बोलूं, क्या बोलूं मैं आपको। तो उसके लिए अवाम से हमारी गुजारिश है, ये तमाम लोगों के बातचीत में मत आइए। नामपल्ली के अंदर एक भी डबल बेडरूम आप किसको तो भी दिए, नामपल्ली पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक तो भी डबल बेडरूम बना। आप बोले 10 लाख घर देता हूं हैदराबाद के अंदर, ग्रेटर हैदराबाद के अंदर, आप कितने घर दिए केसीआर साहब? और जितने भी आपके स्कीम्स लागू हुए, अगर से आप 100 बोले तो 2 लागू हुए, पर वो 2 भी किसको गए? जो लोकल एमएलए है, आपका कैडर, एमआईएम का कैडर, और जो मिनिस्टर के पास रहता, जो मुख्यमंत्री के पास रहता, आपके पूरे कैडरों को आप जो भी स्कीम्स आप दिए, और उसके बाद में आप क्या करें, दलित बंधु दिए तो 10 लाख दिए तो आप 3 लाख ले लिए, आप किसको डबल बेडरूम दिए तो आप 1 लाख रुपए ले लिए, आप किसको लोन दिला रहे तो उसे 20,000 रुपए ले ले रहे, आप शादी मुबारक रहो या कल्याण लक्ष्मी रहो 10-10, 20-20,000 रुपए आप लगा ले ले रहे। तो कौन सी आपकी स्कीम अमल हुई जो आके आप नया मैनिफेस्टो ले लेकर, अरे अभी तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया इसने, खाली 6 गारंटी हम बोले और हम चैलेंज कर दिए कि भाई ये चीज हम कर्नाटका में अमल कर रहे हैं, आपकी कोई टीम है तो चलो कर्नाटका जाएंगे, या आपके इतने प्रेस है ना, आपका पूरा प्रेस आपका है, प्रेस को कर्नाटका भेजा दो, और अगर से वहां पे ये स्कीमा अमल नहीं हो रहे तो तेलंगाना में लाके बोल दो जो स्कीमा कर्नाटका में अमल नहीं हो रहे तेलंगाना में कैसा होते। तो जिस तरीके से कांग्रेस खाली गारंटियां ले आई, आप बौखलाहट का शिकार हो गए। आज एंटी इनकम्बेंसी पब्लिक में आ गई, आज आप डेवलप नहीं करे, आज आप रोडों की हालत देखिए, नालियों की हालत देखिए, मोरियों की हालत देखिए, आज भी पानी आ रहा तो घरों में आ जा रहा। आप कौन सा स्कूल डेवलप करा मेरे को बताइए, कौन सा हॉस्पिटल डेवलप करे आप बताइए। आप ड्रग्स के बारे में इतना बात करते हैं, हर गली में गांजा है, नामपल्ली के अंदर 2 महीने के अंदर 4 मर रहा हो, शहर में कितने मर रहा हो रे, औरत की सेफ्टी नहीं है, करप्शन सर चढ़ के बोल रहा, ऑफिसरों की मनमानी चल रही, 2% लोग पैसे कमा लिए, 98% के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लेवल, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, हर जगह एजुकेटेड तबका परेशान है, किसको किधर की मदद नहीं है, नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, लोन्स नहीं है, खाली आके आप बंगारू तेलंगाना, बंगारू तेलंगाना बोल के बोलते रहते। ये स्कीमा हम बताए तो असदुद्दीन पलट के बोलते ये स्कीमा हो नहीं सकते, इससे लंगे स्कीमों को असदुद्दीन बोलते कि केसीआर के स्कीमा वो जबरदस्त है। तो ये पूरा ड्रामा चल रहा, पूरा ड्रामा, तो ये ड्रामे को खत्म करना है, और अवाम को अब समझ में आ गया, अवाम बहुत इनोसेंट है, हमारी अवाम को सब नॉलेज है। आज अल्लाह का एहसान है, सोशल मीडिया आज आने की वजह से हर एक के फोन के ऊपर हकीकत हाल और हकीकत मालूम पड़ जा रही। आज नए स्कीमा ले लेके पब्लिक को झुठलाना चाह रहे हैं, फिर से पब्लिक को धोखा देना चाह रहे हैं, फिर से पब्लिक को लूटना चाह रहे हैं। 10 साल में आप अमल नहीं करे, आप फिर यह अमल करते, केसीआर के दिमाग में एक ही चीज है कि मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन जाना, कुछ भी हो जाओ कांग्रेस के ऊपर अपन बात करेंगे। सो जो केसीआर बोल रहा था ये स्कीम अमल नहीं होते और पैसे नहीं आ सकते, पैसे नहीं निकाल सकते, आज आप ये स्कीमों के ऊपर की स्कीम दिए तो फिर मैं आपको क्या नाम दियो केसीआर, आपको क्या बोलूं, बट्टेबाज बोलूं, लुच्चा बोलूं, झूठा बोलूं, चोर बोलूं, डाकू बोलूं, क्या बोलूं, बिल्ला बोलूं, रंगा बोलूं, वीरप्पन बोलूं, क्या बोलूं मैं आपको। तो उसके लिए अवाम से हमारी गुजारिश है कि तमाम लोगों के बातचीत में मत आइए। आज जो पार्टी डेवलप करना चाह रही तेलंगाना दी सो पार्टी सोनिया गांधी है, सोनिया गांधी भी तेलंगाना इसलिए दिए कि बच्चे मर जा रहे थे, जो परसों लड़की मर गई ट्रवली का, ग्रुप 2 का एग्जाम पोस्टपोन हो गया बोल के मर गई। हमारा आए जब पुलिस डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल जोन बैठते, बैठ के बोलते कि वो ग्रुप 2 के वजह से नहीं मरी, उसकी लव स्टोरी थी। अरे भाई तेरे को कैसा मालूम उसकी लव स्टोरी थी,
और अगर से लव स्टोरी थी तो भी तू कैसा बोल रहा। तो जब पब्लिक में को पूछी या डीसीपी ऐसा बात कर रहा, पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा बात कर रहा, तो बोला पुलिस डिपार्टमेंट तो सीएम का चौकीदार है, मेरा चौकीदार मैं जो बोला वो बोलता, क्या सच बोलता क्या मेरा चौकीदार। तो रही बात क्लियर कट ये छे कि जब आंध्र प्रदेश था, आप केसीआर साहब बोले कि नौकरियां पूरे आंध्रा को चले जा रहे हैं, रायलसीमा को चले जा रहे हैं, अपना तेलंगाना बनेगा तो हर बच्चे को नौकरी आएगा, हर घर में मैं नौकरी दूंगा। 1200 बच्चे शहीद हुए बाद तेलंगाना आई, सोनिया अम्मा वो देख के तेलंगाना दी। एक हाल हकीकत मैं आपको बता दूं, जब पार्लियामेंट में खाली दो चैंपियन थे, एक केसीआर और विजय शांति, उसके बावजूद भी जो दी तेलंगाना वो सोनिया गांधी, सोनिया गांधी के पैर पड़ा, फिर उनके पैर खींचा ये केसीआर, ये पूरी हकीकत दुनिया को मालूम है। केसीआर मेहनत करा होगा तेलंगाना लाने के लिए, ये बात तक हम मानते, पर तेलंगाना देने की पार्टी सोनिया अम्मा है और कांग्रेस पार्टी। तो आप जो आज बंगारू तेलंगाना बोले, सोने का तेलंगाना बोले, आज आप चिपके का तेलंगाना बना दिए, गरीब तेलंगाना बना दिए, उधार का तेलंगाना बना दिए, कोई कॉमन आदमी का डेवलपमेंट नहीं हुआ, खाली आप लोली पंचायत कर रहे हैं। तो आप ये नए स्कीमों को फ्लेम मार सकते, पब्लिक को समझ में आ गया, कांग्रेस को लेके आइए और हम आपसे वादा कर रहे हैं 3 दिसंबर के दिन काउंटिंग होंगी, 9 दिसंबर के दिन हमारी गवर्नमेंट आएंगी, 9 दिसंबर से 3 महीने का आप टाइम देंगे हमारे को।